अगर आपका लिंग छोटा है, पतला है, टेढ़ा है, कमज़ोर है, तो यह अद्भुत जड़ी बूटी आपके लिंग को 10 से 12 इंच लंबा, 3 से 4 इंच मोटा बनाएगा। जिन महिलाओं का स्तन ढीला पड़ चुका है, लटक चुका है, योनि ढीली पड़ चुकी है, लटक चुकी है, उनके योनि को बहुत ही ज़्यादा टाइट एवं छोटा करेगा और स्तनों को टाइट एवं सुडौल बनाएगा, बिल्कुल गोल एक जवान लड़की की तरह। वेलकम दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि लेकर आया हूँ जिसका उपयोग करने से आपका लिंग लगभग 12 से 13 इंच लंबा, 3 से 4 इंच मोटा होगा, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, बचपन की गई गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो यह अद्भुत जड़ी बूटी आपके लिंग को बहुत ही ज़्यादा मोटा, लंबा, कड़क एवं सुडौल बनाएगा, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। यह आपके बीबी को खुश करने की सबसे फायदेमंद औषधि। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में जानें। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत जड़ी बूटी को। इस अद्भुत जड़ी बूटी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, खेत खलिहानों में, सड़क के किनारे, खाली पड़ी ज़मीनों पर यह आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत औषधि को। इस अद्भुत औषधि का नाम है सत्यानाशी। यह सत्यानाशी का पौधा आपको खाली पड़ी ज़मीनों पर आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह सत्यानाशी के पीले कलर के फूल होते हैं और इसके पत्तियों में आप देखें इसमें नुकीले कांटे होते हैं, जो यह झाड़ी नुमा इसके पौधा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिंग को मोटा, लंबा, कड़क एवं सुडौल बनाने के लिए। जिन महिलाओं की योनि स्तन ढीली पड़ चुकी है, उन्हें टाइट करने की सबसे फायदेमंद एवं लाभकारी औषधि है। तो फ्रेंड्स, आप इस सत्यानाशी को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो और पहचान लो। आप इस सत्यानाशी के आपको इस सत्यानाशी के पके हुए फलों से इसके बीजों को निकाल लेना है। आपके आसपास अगर यह सत्यानाशी का पौधा नहीं है तो आप आयुर्वेदिक स्टोर से सत्यानाशी के फलों के बीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप आयुर्वेदिक स्टोर पर, पंचारी की दुकान पर आप अगर जाएंगे, सत्यानाशी का बीज लेकर आएं और आपको इस सत्यानाशी के बीजों को अच्छी तरीके से पीस कर, बिल्कुल बारीक तरीके से पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद जिन लोगों का लिंग की नसें टूट चुकी हैं, ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, जिनके लिंग में ढीलापन आ चुका है, लिंग अच्छी तरीके से टाइट नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर, किराने की दुकान पर, पंचारी की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको तिल का तेल लेना है और आपको अच्छी तरीके से मिलाएं। आप दोनों बराबर मात्रा में, आप लगभग 100 ग्राम की मात्रा में आप तिल का तेल ले रहे हैं तो आपको उसमें 50 ग्राम की मात्रा में इस सत्यानाशी के बीजों का पाउडर मिलाकर अच्छी तरीके से धीमी आंच में पकाएं। जब वह अच्छी तरीके से पक जाए तब आप उसे उतार लें और इसे हल्का गुनगुना ही, हल्का जब गुनगुना रहे तब इसे आप अपने लिंग पर रुई से लगाकर अपने हल्के हाथों से अपने लिंग की मसाज करें। मात्र 10 दिनों के अंदर आपका लिंग मोटा, लंबा, कड़क एवं सुडौल हो जाएगा। और जिन महिला की योनि स्तन ढीले पड़ चुके हैं, लटक चुके हैं, जो महिलाएं अपने योनि को, अपने स्तन को टाइट करना चाहती हैं, तो आपको लेना है तिल का तेल और आपको लेना है इस सत्यानाशी के बीजों का पाउडर।
अगर आप 100 ग्राम की मात्रा में आप तिल का तेल ले रहे हैं तो उसमें आपको 50 ग्राम की मात्रा में मिलाना है सत्यानाशी के बीजों का पाउडर, और 50 ग्राम की मात्रा में आपको फिटकरी पाउडर करके मिलाएं और अच्छी तरीके से मिलाकर उसे तैयार करें। उसके बाद अपनी योनि अपने स्तनों पर हल्का गुनगुना ही मसाज करें और टाइट ब्रा टाइट पैंट्री का इस्तेमाल करें। मात्र 10 दिनों तक इसका इस्तेमाल कर लें, आपकी योनि आपके स्तन टाइट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।